तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सैटिस्फाई। ये कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू आर इंटीजर, तो बोला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि कट जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि वो रेशनल नंबर कट जाएगा, तो कौन सा प्रॉपर्टी क्यू का सेटिस्फाई होगा जो कि वो डेसिमल कट सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्यू का कौन सा प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हम लोग दो नंबर जानेंगे, एक प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी वो नंबर जो एक से डिवाइड हो और खुद से। मान के चलिए 11 क्या है? 2। मान के चलिए 2, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। क्यों? 2 और 1 लिखेंगे 2, यानी 2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो किस किस से भागा हो जाएगा? एगो एक से जाएगा 2 बार में 2, और एगो 2 से जाएगा खुद 1 बार में। कहने का मतलब है कि वैसा संख्या, वैसा नंबर जो खुद से और वन से डिवाइड हो, उसी को बोले जाएंगे हम लोग क्या? प्राइम नंबर। यानी खुद से मान ले, तो क्या है प्राइम नंबर? 2, 3, 4 है क्या? 4 नहीं है। 5, 7, 9 9 भी नहीं है। 11, 13 क्यों? ये सब क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि इन लोग को देखिए भाग देंगे तो 2 से और 1 से जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो संख्या, वो नंबर है कि वो सिर्फ नंबर से, 1 से और खुद से, यानी 1 से और खुद से भागा जाएगा। 2 किससे भागा जा सकता है? 2 से और 1 से 3, 3 से और 1 से 5, 5 से और 1 से 7, 7 से और 1 से जा सकता है, तो इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। और इसके बाद जो नंबर आया वो क्या कहना है? कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग कंपोजिट नंबर सीखते हैं। क्या क्या बच गया था? कंपोजिट नंबर क्या है? 2 हम लोग को देख लिए प्राइम नंबर था, 3 प्राइम नंबर, और 4, तो 4 कंपोजिट नंबर किससे शुरू होता? 4 से। 4, 5 तो मेरा प्राइम नंबर था, 6, 7 मेरा प्राइम नंबर था, तो 8 मेरा कंपोजिट नंबर, 9 मेरा कंपोजिट नंबर, 10 मेरा कंपोजिट नंबर। ये लोग देखिए किसे किसे जा सकता है। एक 1 से 2 इंटू 2 से जा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 से भी जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, 1 से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये मेरा 4, 6, 8, 9, 10 फिर क्या होगा? 12, 14, ये सब क्या? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग बढ़िया से समझ लिए। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन? कि क्यू का कौन सा सेटिस्फाई हो, यानी कहने का मकसद ये है, क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, वो पूरा पूरी टर्मिनेटिंग डेसिमल या पूरा पूरी कट जाएगा, था क्यू का कौन सा, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर, तो ये क्यू का कौन सा रूल है जिसके कारण पूरी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्यू का कौन सा रूल होता है? क्यू जब प्राइम फैक्टर हो, किसका? प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है, 5, तो प्राइम नंबर का फैक्टर कौन है? 2 और 5 का, यानी क्यू का एक प्रॉपर्टी है 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, यानी कहने का मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, 2 यानी कि जैसे ये मेरा क्यू है, क्यू तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जब क्यू का प्रॉपर्टी अगर 2 एंड 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, ठीक है, मान के चलिए लेते हैं 20, 50 बाय 20,
लेते हैं एक नंबर, एक नंबर लेते हैं 50/20 है ना। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर है, पी और क्यू ये है। तो क्यू का कौन सा प्रॉपर्टी जो एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 50, दो बार में जाएगा 40 बचेगा, 10 10 सोने जगह पॉइंट देंगे, यहाँ जीरो देंगे, 20 बचे 100, कहने का मतलब क्या है 2.5। ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो कैसे जो ये क्यू है, ये मेरा क्यू है ना, यहाँ पर देखिए क्यू है ना, तो क्यू किसका फैक्टराइजेशन है, क्यू का अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो टू से करेंगे 2×10^20, फिर 2 से 2×5×10, फिर 5 से 1 बाई, यानी कि क्यू का जो फैक्टर है 2×2×5। यानी कोई भी रेशनल नंबर तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तभी पूरा पूरी कटेगा जब क्यू, यानी जो नीचे वाला है क्यू, 2 और 5 का क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। 2 और 5 क्या मेरा प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ देखिए ये 50/20 क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, कैसे, जब हम लोग ये देखें क्यू का जो प्राइम फैक्टर हो 2 और 5 आया, 20 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 20 का फैक्टर करेंगे, तो 2 और 5 जो कि मेरे प्राइम नंबर है तो उसी का फैक्टर। तो वही यहाँ बोल रहा था कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू इज़ कॉल नॉट जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो कि मेरा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, तो कौन सा, भाई कि इसका आंसर यही होगा कि 2 और 5 जो मेरा प्राइम फैक्टर रहेगा, प्राइम फैक्टर रहेगा, वही प्राइम फैक्टर रहेगा जो कि मेरा क्यू का सेटिस्फाई करेगा। तो इसको, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, इसको तब तक लिख लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अभी हम लोग प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर पढ़े और कॉम्पोजिट नंबर पढ़े, तो हम लोग बोल सकते कि 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11 ये सब क्या प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर जो बच गया वो कंपोजिट नंबर है, 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या कंपोजिट नंबर, तो मेरा 1 क्या है, 1 ना ही कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या 1 क्या ना ही कंपोजिट नंबर, 1 क्या है, 1 नो कंपोजिट नंबर, आर नॉट ना ही कंपोजिट नंबर, नॉट प्राइम नंबर, इतना जान लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को उतार लो, तत्काल मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े थे क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है, इरेशनल नंबर का गुण है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके पढ़ ले, ठीक हो। देखिए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो सीधा इसी का पॉइंट में (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) पहला नंबर हो गया, दूसरा ये 0.0, 0.2, 0.002, 0.02, चलो 0.02, तीसरा ये 0.003, 0.003, 0.003, कहने का मतलब यह है क्या है, 0.001, फिर यहाँ 0001, यहाँ 401, यहाँ 501, यानी नहीं रिपीट हो रहा और नहीं टर्मिनेट हो रहा, ये इन्फिनिट तक जाए, क्या बोल रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही ये कट के ख़त्म होगा और ना ही ये रिपीट कर रहा, ये क्या है, कट के ख़त्म हुआ क्या, नहीं ये रिपीट, ये जा ही रहा मतलब बढ़ते जाएगा, और ये
तो यहाँ देखिए 0.0020 3.0/2 4.0/2 है 5.0/2 है या 6.0/2 इस तरह नहीं ये रिपीट करा क्या नहीं रिपीट कर रहा और टर्मिनेट करा यानी खत्म हो रहा क्या नहीं डॉट डॉट का मतलब होगा कि ये बढ़ते जा रहा है तो यही इसका आंसर हुआ नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिपीटिंग। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मिलते फिर अगला क्वेश्चन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे, पहले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे क्या दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना। अब क्या दो रेशनल नंबर के बीच में क्या थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना। तो इसको रूल है क्या, इसको हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो रेशनल नंबर दिया उसके बीच में दो या चार या पाँच जितना भी इरेशनल नंबर निकालने बोल दिया जाए तो उस क्वेश्चन में इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करें, पहले इसको भाग देंगे क्या 7/5 है ना, 5/7 है तो 5 तो कटेगा ना, पॉइंट देंगे इसके बदले में 0, 7 से 49 क्या बचेगा 1, पॉइंट दिए इसके बदले में 0 क्या 7 एकम 7 1 7 क्या बचेगा 3, पॉइंट दिए इसके बदले में 0 बैठा 7 4 20 क्या हुआ 2 बचा, पॉइंट जैसे मतलब 0 बैठा सकते 7 2 14 क्या 6, फिर पॉइंट जैसे मतलब 0 7 8 56 क्या बचा 4, पॉइंट दिए इसके मतलब फिर 0 बैठा सकते क्या 7 7 5 35 क्या बचा 5 लास्ट में आ गया ना, यानी ये 5 और ये 5 फिर से करेंगे 5 पॉइंट दिए इसका मतलब 0 बैठेगा फिर तो फिर से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से रिपीट कर रहा है। ये हो गया मेरा, ये रिपीट करिए इसके मतलब हम लोग ऊपर में बार लगाएंगे, बार लगाते हैं रिपीटेड का मतलब, और फिर 9/11 को सॉल्व करेंगे। फिर क्या हुआ नहीं जा रहा, पॉइंट देंगे 0 लगाएंगे 11 8 88 क्या बचेगा 2, फिर क्या पॉइंट दिए इसका मतलब 0 देंगे 11 1 11 क्या बचेगा 9, यानी 9 ये वाला और देखो ये वाला आ गया है ये, और यहाँ भी 9 आ गया यहाँ भी आना, मतलब यहाँ से ये रिपीट करेगा, यहाँ से रिपीट करेगा यानी इसका 0.81 रिपीट करेगा। अब देखो तुम 0.0.714285 ये मेरा क्या रिपीट कर रहा है, यहाँ से 7 से रिपीट कर रहा और यहाँ 0.81, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर है, बहुत सारे, लेकिन हम लोगों को निकालना है 3। तो सीधा सिंपल देखते हैं क्या लेते हैं, 0.7 ले लेते, 5 ले लेते, 0 7 5 00 7 5 30 ये मेरा रिपीट कर रहा है, एक हो गया। दूसरा 7 6 लेंगे क्योंकि इस दोनों के बीच में ही निकाला, 0.7 6 7 6 00 7 6 000 ये मेरा इरेशनल नंबर का इसी तरह आता, बहुत सारा आएगा उसमें तीनों को बोला हम लोग तीनों निकालते। फिर इससे एक छोटा लेना है 81 0.81 है ना, तो इससे छोटा लेंगे हम 0.80 फिर 8 00 8 000 8 4 0 ये मेरा रिपीटिंग। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब तो आप लोग को समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक ले उतार लीजिए। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी, क्लासिफाई द नंबर एज रेशनल और इरेशनल। ये नंबर, ये क्वेश्चन है, ये नंबर है 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन है, इसको बताना रेशनल है या इरेशनल है। ये √23 क्या है, ये इरेशनल है, इरेशनल है, रूट के अंदर है तो क्या है, और क्या है 23 जो कि बाहर नहीं आएगा तो क्या ये इरेशनल नंबर। 225 बताइए, ये अंडर रूट 225 है, ये किसका है, ये तो बाहर आ सकता है ना, बाहर आ सकता है रूट का, क्या आ सकता है, तो ये क्या बाहर आ सकता है कि नहीं, अंडर रूट 225 ही आ सकता है कि नहीं, ये 15 × 15 लिख सकते हैं, 15 15 15
225 अंडर रूट है ना, तो इसको 15 × 15 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और ये क्या है, 15 बाहर आ जाएगा, यानी इसका आंसर 15, जो क्या है एक रेशनल नंबर है, रेशनल है। क्या है 0.3796, ये आगे भी नहीं बढ़ा, ये पॉइंट के साथ ये डेसिमल है 0.3796, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा क्या रहता था, रेशनल नंबर रहता, रेशनल नंबर। अब क्या है 4.7.478, देखिए 478, ये 478 ये भी रिपीट हो रहा है, इन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये मेरा हमेशा रेशनल नंबर आता है, तो ये भी मेरा क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये 5 नंबर के क्या आ गया 1.10, 120, 1 के बाद 30, 1 के बाद 40, 1 के बाद 50, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बढ़िया से पढ़िए, उतार लीजिए। और अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। तब तक मिलते हैं अगला चैप्टर में फिर से।